यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही सीएम योगी जब जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, उसी दौरान अनुदेशकों ने वहां पर प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनको हिरासत में ले लिया और दरअसल अनुदेशक बढ़े हुए 17,000 रुपए मानदेय के भुगतान की मांग कर रहे हैं। गोरखपुर के 2 दिन के दौरे पर कल शाम गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने आज कहा, यहाँ गोरखनाथ मंदिर परिसर में बीते दिन जनता की समस्याएं सुनी और इस दौरान अधिकारियों को उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं के निस्तारण का निर्देश दिया। काफी संख्या में फरियादी उनसे मिलने भी पहुंचे थे, अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे थे ताकि उनका उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो सके। नाली का निर्माण कराया गया, 1 महीने तक मेरा FIR नहीं हुआ। एडिशनल DGP के ऑर्डर पे FIR दर्ज हुआ, उसको थाना अध्यक्ष महोदय ने एक्सपंज कर दिया बिना मेरा बयान लिए। ना मेरा बयान लिया गया, ना मेरे गवाहों का बयान लिया। इसीलिए मैं आई हूँ कि मेरे मुकदमे की विवेचना कराकर मुझे न्याय दे। सर, मैं जनता दरबार में आई हूँ कि योगी जी से ये अपील है कि हमारे भाई के जो हत्यारे हैं वो पकड़े जाएँ, और यही कहना चाहती हूँ उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले।